ठाणे में टिप टॉप प्लाजा में महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई को लेकर पत्रकार परिषद की, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, सरकार अपनी गलती छुपाने के लिए साजिश कर रही है। सरकार जिस तरह से जनता को धर्म के नाम पर आपस में लड़ा रही है, ये सही नहीं है। आइए सुनते हैं नाना पटोले ने क्या कहा। पुलिसों की गाड़ी चलाई गई, लाठीचार्ज हो गया, गोलीबारी होगी वहां पे। आज ये रिपोर्ट आई कि दो लोगों का वहां पे दो लोग उनका डेथ हो गया, वहां तनाव बना हुआ है। ये बातें हमारे अपोजिशन लीडर जो विधान परिषद के अंबादास दानवे और हमारे कांग्रेस के नेताओं ने वहां के पुलिस कमिश्नर गुप्ता है उनको बताया, लेकिन उन्हें ये तनाव के पहले अगर वहां पर व्यवस्था बनाई रहती तो ये घटना वहां पे नहीं होती। सरकार का पुलिस के ऊपर दबाव है क्या? वो चाहती क्या कि इस तरह के धार्मिक तनाव बने रहे और उसमें हमारी पॉलिटिकल रोटियां सेकती रहे? ये सरकार की भूमिका है क्या? ये स्पष्ट सरकार ने करना चाहिए। मैं आज थाना में हूँ, थाना में हमारे जिला अध्यक्ष विक्रांत चौहान, हमारे थाना ग्रामीण के अध्यक्ष दयानंद चोरगे, इनको जान से मारने की धमकी, पुलिस कमिश्नर को एसपी को बताया गया लेकिन पुलिस उस पर ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ के जो हमारे विधायक है जितन अवार्ड, उनका बॉडीगार्ड, उनकी संशयास्पद मृत्यु हुई। जो बातें हमारे को यहाँ पे सुनने मिली तो पुलिस का एक अलग दबाव उसके ऊपर था। अब पुलिस की जांच चल रही है, मैं उस पर अभी बात नहीं करूंगा, लेकिन जो हमें मालूम है उस आधार पर एक भयानक घटना यहाँ पर होने जा रही है कि अपोजिशन के लोगों को इस तरह के फंसाना और उनका आवाज बंद करने का पाप महाराष्ट्र की भी सरकार कर रही है। और इसलिए माननीय राज्यपाल महोदय को हम मिलेंगे और राज्यपाल महोदय को महाराष्ट्र में जो चल रहा है इसकी पूरी माहिती अवगत कराएंगे। और महाराष्ट्र की सरकार, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, राज्य की सरकार को नपुंसक बोला है, कई स्ट्रक्चर उसमें पास किए हैं, तो उसमें राज्य की सरकार अब सत्ता करने के लायक रही नहीं है। ये सरकार बर्खास्त की जाए, ये मांग हम कांग्रेस की तरफ से करेंगे और पूरी बातों से राज्यपाल महोदय से हम अवगत कराएंगे। मैं ठाणा में आज ही आया हूँ और मैं आज ही उनसे सब लोगों से बात करता हूँ और इस बारे में चर्चा करता हूँ। सर, जिस तरीके से गिरीश कुड़ी को मारा गया उसके बाद कांग्रेस की तरफ से 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन अब तो उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और होगी, मैं खुद पुलिस कमिश्नर से बात करता हूँ और कार्रवाई करने की मांग करेंगे। मैं तो कांग्रेस में आंदोलन करूँ। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सायन्स सोनाबट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा, आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।